अस्सलाम वालेकुम शबनाओ, आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महविश निसार। और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सैलाब की वार्निंग जारी। पेशावर में बारिश के बाइस छत गिरने से तीन अफराद जहां बहक। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी अबरे करम बरसता रहा। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें तालाबों में तब्दील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। इजलास पे इजलास मगर सिंध के आवाम को बलदियाती निजाम की खुशखबरी न मिली। कायम अली शाह ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब करके मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एहतसाब बिल पर इत्तेफाक के लिए मुजाकरा। चौधरी निसार कहते हैं जरदारी और एहतसाब दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पीपल्स पार्टी ने एहतसाब बिल का नया शोशा छोड़ दिया है। दिफा की पुरवकार तकरीबात। कराची तक खैबर अवाम का शहदा को खराज अकीदत। मजार कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दील। वाघा बॉर्डर पर रिवायती जोश खरोश भी देखने में आए। रहमान मलिक कहते हैं मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। हमारे आत्मी असासे दुश्मनों को खटकते हैं। दुबई और बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत इतलात के खुफिया फंड्स मुंजमित करने का हुक्म दे दिया। भक्कर में खुदकुश जैकेट फटने से तीन मुबैना दहशतगर्द हलाक। दो की शनाख्त कर ली गई। मुल्क में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला नर्ख फिर 60,000 रुपए से तजावुज कर गए। चीन से दो पांडे सिंगापुर पहुंचकर मेजबान मुल्क में मेहमानों का मौसीकी और रक्स के साथ इस्तकबाल। और सईद अजमल का वनडे में पहला, टी20 में दूसरा और टेस्ट में तीसरा नंबर। आईसीसी के कान पर फिर भी जूना रेंगी। लाहौर में अवाम का एहतजाज।